जी, ये ओलंपिक से मेरा बचपन का सपना था। जब से मैं फेंसिंग शुरू किया है तब से मुझे ओलंपिक जाना है करके था। तो पहले ये बहुत सब लोग ये बोलते थे कि इंडिया फेंसिंग में ओलंपिक्स तक पहुंच नहीं सकता है, तुम्हें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा और तुम भी वुमेन हो, यू हैव टू चूज़ अदर वे, फेंसिंग में कुछ फ्यूचर बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ऐसे ही बोला था। लेकिन मुझे यकीन था और मेरी मदर का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत मुझ पर बहुत ज़्यादा था कि मैं ओलंपिक तक पहुँचूँगी। और उसके बाद मुझे राइट टाइम में किट यूनिवर्सिटी का सपोर्ट भी मिला है। सो लास्ट 2 ईयर से मैं उनका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और उनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए। मैं समंता जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ और ओडिशा गवर्नमेंट को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा करते हैं। और मैं अभी ओलंपिक तक पहुंच गई, मैंने सेकेंड राउंड में हार गई थी, लेकिन मुझे वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि मुझे सिर्फ ओलंपिक तक पहुंचना नहीं, मुझे मेडल लेके आना है, वही ड्रीम है। तो अभी ठीक है, अभी एक 50% वो ड्रीम ख़त्म हुआ है, आई मीन अचीव फुलफिल हो गया है। अभी नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक्स में मैं अच्छा और प्रैक्टिस करके और ज़्यादा मुझे इम्प्रूव करनी है, तो इम्प्रूव करके मैं पक्का मेडल लेके आऊँगी। मुझे ये कन्फर्म हुआ कि हार्डवर्क कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। हमको रिजल्ट आज भी आ सकता है और कल भी आ सकता है, बस वो हार्डवर्क कंटिन्यू करके रहना है। हमारा हार्डवर्क पर हॉनेस्टी होना चाहिए, हम पूरा हॉनेस्ट एफर्ट डाल के हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर हम अपना आपका रिजल्ट तक हम पहुँचेंगे।